हरिओम, नमस्ते। समाधान वेलनेस में आप सभी का स्वागत है। तो हमने अब तक मोटापे की श्रृंखला में करे खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास और बैठकर किए जाने वाले। आज हम करेंगे पेट के बल लेट करके किए जाने वाले अभ्यास। तो आइए अपना अभ्यास शुरू करते हुए अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, प्रभु को याद करते हुए, उसका स्मरण करते हुए लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए करेंगे पवित्र ओम का उच्चारण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों को ऊपर उठा करके हथेलियों के बीच में अच्छे से घर्षण करेंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे, धीरे से अपनी आंखें खोलें, पैरों को आराम से सामने की ओर खोल देंगे। एक बार अपने पैरों को थोड़ी सी मूवमेंट देंगे, आगे पीछे खींच लें पैरों को। यहाँ से हम आएंगे वज्रासन की स्थिति में आकर के आराम से अपने पेट के बल लेट जाएं। सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। हाथों को अपने चेस्ट की साइड में लगा लें, पैरों को पीछे मिला करके रखें, सामने की तरफ दृष्टि, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रहे, अर्धभुजंगासन का हम अभ्यास कर रहे हैं तो कोहनियां अपनी पूरी खोलनी नहीं, तो श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये होगा हमारा पहला अभ्यास। दूसरे अभ्यास में बाईं हथेली को नीचे रखेंगे, दाईं हथेली के उसके ऊपर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, पूरा उठेंगे ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये होगी हमारे दूसरे आसन की स्थिति। तीसरे में हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। अपने हाथों को अपनी जंघा के नीचे लगा लें, ठोड़ी अपनी जमीन पर लगा करके रखें, पैरों को अपने सीधा रखें, श्वास भरते हुए दायां पैर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हुआ हमारा तीसरा अभ्यास। शुरू करते हैं हम पहले आसन से, मेरे साथ करेंगे सभी मिलकर के। हाथों को लगाएं अपनी चेस्ट की साइड में, श्वास भरते ऊपर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। बहुत अच्छे। इसमें अगला अभ्यास करेंगे, अगला अभ्यास शुरू करेंगे। बाएं हाथ को नीचे रखेंगे, दाएं हाथ को उसके ऊपर रखेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये सभी आसन आपके हाथों के लिए, हाथों की ताकत के लिए, हाथों के फैट के लिए, पेट के फैट के लिए, आपकी कमर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं। तो इन अभ्यास की भी आवृत्ति आपको धीरे धीरे बढ़ानी है। इसका भी अभ्यास करेंगे हम 10 बार। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
दो एक। आराम से नीचे जाएं, हाथों को साइड से अपनी जंघा के नीचे लगा लें। शलभासन का अभ्यास, अपनी ठोड़ी को नीचे जमीन से लगा करके रखेंगे। श्वास भरते हुए एक एक पैर उठाएंगे। अब जिनको कोई समस्या नहीं है, बहुत ज्यादा मोटापा नहीं है और जो समर्थ हैं दो दो पैर उठाने में, तो पहले वो एक एक पैर से अभ्यास कर लें। थोड़ा सा जब इसका अभ्यास हो जाए तो दोनों पैरों को उठाएं ऐसे ये। तो अभी हम दोनों पैर से अभ्यास करेंगे, जो नहीं कर पाते हैं वो एक एक पैर से अभ्यास करें। जो एक एक पैर से करेंगे वो शुरू में कम से कम 20 बार करें, जो दोनों पैर से करेंगे वो कम से कम 10 बार अभ्यास करना शुरू करें। चलिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। रिलैक्स, हाथों को सामने ले आए, पैरों में फासला करें, एड़ियां भीतर की ओर, पंजे बाहर की ओर। इसी स्थिति में आराम करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास स्टार्ट। अब जिन्होंने दोनों पैर से कर लिया है वो इस स्थिति में आराम करेंगे, और जिन्होंने सिंगल सिंगल लेग करा है वो मेरे साथ पूरा अभ्यास करेंगे। आइए, हाथों को अपनी जंघा के नीचे लगाएंगे, ठोड़ी को सामने लगाएं, श्वास भरते हुए एक पैर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। बहुत अच्छे, शाबाश। हाथों को अपने सामने लेकर के आए, हथेली के ऊपर हथेली, गर्दन किसी भी एक दिशा में, पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए लंबा गहरा श्वास भरेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। जब श्वास सामान्य हो जाए तो आराम से उठ करके पैरों को पास मिलाएंगे, हाथों को जमीन पर लगाते हुए यहीं से आ जाएंगे हम शीर्षासन की स्थिति में। कुछ लोग होंगे जो उल्टा ज़्यादा देर ना ले तो वो इस स्थिति में आराम कर लें, अपनी श्वास को सामान्य कर लें, फिर उठ करके आराम से आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ शेयर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।